नेरेडको और एसोचैम के। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ है रमेश सिंह साहब जो कि पूर्व ईडी हैं देना बैंक के और बैंकिंग मामलों के जाने माने जानकार भी हैं। रमेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। हमारे साथ है फिरोज अजीज साहब जो कि डिप्टी सीईओ हैं आनंद राठी के। बहुत बहुत स्वागत है फिरोज जी आपका भी। शुरुआत हीरा नंदानी साहब आपसे ही करना चाहूँगा। इंडस्ट्री किस तरह से देख रही है सर आज को, क्योंकि हमने देखा कि इंडस्ट्री की सबसे बड़ी जो चिंता है वो डिमांड को लेकर है। और बीते हम दो महीने में बात करें कोविड के काल में, तो अर्बन और रूरल दोनों डिमांड जो एक तरफ से कोलैप्स्ड हैं मार्च के बाद से। आप आज के फैसले को किस तरह से देखते हैं? मैं बहुत ही पॉजिटिव देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि आरबीआई की इंटरवेंशन शक्तिदास की तीसरी बार हुई है ये कोविड के बाद। मेरे अंदाज से उन्होंने पहले लिक्विडिटी की बात की थी, अगले बार उस समय कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो होम लोन्स हैं या ईएमआई देते हैं या कोई खरीदी करते हैं और वो लोन ले रहे हैं, तो मेरे अंदाज से उसकी जो इंस्टॉलमेंट है काफ़ी कम हो जाएगी। मेरे अंदाज से एक डेढ़ महीने के अंदर आपके ईएमआई की जो इंटरेस्ट कॉस्ट है 10% से कम हो गया है। मीन्स जितना भी आपका पहले ईएमआई पर ब्याज लगता था उससे 10% कम हो गया है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो मिडिल क्लास और छोटे लोग जो ईएमआई लेते हैं घर खरीदने के लिए अथवा गाड़ी खरीदने के लिए या कोई भी आइटम के लिए, मेरे अंदाज से ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात जो रही है वो है रिवर्स रिपो, वो भी कम किया गया है, क्योंकि जो 8.5 लाख करोड़ रुपये पैसे जो पड़े हैं बैंकों की लिक्विडिटी क्रिएट किए हुए, वो लिक्विडिटी आगे इंडस्ट्री को और इंडस्ट्री और बिजनेस को नहीं देते बैंक, लेकिन वो रिवर्स वापस आरबीआई के पास रखते हैं। तो इसलिए ये खुशी की बात है कि उन्होंने कम किया है, तो ये 4.25% तक उन्होंने 3.35% उन्होंने कर दी है। तो आज के तारीख में ये एक बैंकों को एक इंसेंटिव रहेगा कि आप लोन प्राइवेट एरियाज को दे दीजिए या एमएसएमई में दीजिए या हाउसिंग में दीजिए या इंडस्ट्री को दीजिए। तो मेरे अंदाज से ये रिवर्स रिपो, मेरे अंदाज से उन्होंने जो कटौती की है वो कम है, मेरे अंदाज से वहां उनको ज्यादा करनी चाहिए थी। और ये जो अभी 3.35 है उनको 3% कर देना चाहिए, क्योंकि एक डिसइंसेंटिव बैंकों को करें कि वो पैसे बाहर लिक्विडिटी मार्केट में दे, लिक्विडिटी वापस आरबीआई में नहीं रखे। बिकॉज ये सबसे बड़े प्रॉब्लम जो रहा है वो है बैंक लिक्विडिटी आरबीआई के पास रख रही है, एक्चुअली मार्केट में नहीं दे रही है। दूसरी बात जो मेरे अंदाज से बहुत अच्छी बात की कि उन्होंने जो रेजोल्यूशन पैकेजेस दिए वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे अंदाज से ये बहुत ही इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं, 3 महीने के 6 महीने किए हैं और ये छोटे छोटे राहत दे रहे हैं। मेरे अंदाज से उनको आरबीआई को 1 time रोल ओवर करने की आवश्यकता थी कि लॉन्ग टर्म जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो डिले हो रहे हैं अथवा उनके इंस्टॉलमेंट्स अभी हैं, तो आपने 3 महीने के राहत दी या 6 महीने के राहत दी, वो ठीक नहीं है। लोगों को प्लानिंग नहीं हो सकता ये 3-3 महीने की राहत देने से। मेरे अंदाज से 2008 में लेमन क्राइसिस के समय उन्होंने 1 time रोल ओवर आरबीआई ने की थी, वो अक्रॉस द बोर्ड की थी कि आप 1 साल 2 साल 3 साल जितना भी डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट आप राहत दे के उनको टर्नओवर की थी। तो मेरे अंदाज से शायद ये गन पाउडर बाद के लिए रखा है, क्योंकि वो सब जो आइटम्स हैं एक साथ में नहीं देना चाहते और वो जो मार्केट की रेजिलियंस है वो टेस्ट कर रहे हैं। तो ये इंस्टॉलमेंट में सब कुछ करेंगे, हम अपेक्षा रखते हैं कि ये कंटिन्यू करेंगे और अच्छी बात है, इसलिए हम वेलकम करते हैं आरबीआई की जो पॉलिसीज हैं राहत देने की और ये रिपो रेट और रिवर्स रिपो रेट कम करने की, लेकिन और ज्यादा कम करने की आवश्यकता। ठीक है सर, इसको और ज्यादा कम करने की आवश्यकता थी। आप कह रहे हैं कि 3.35 नहीं, इसको 3 तक लाना जरूरी होगा। रमेश सर आप किस तरह से देख रहे हैं और ये किस तरह से इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर सकता है सर? सबसे पहले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस आज के निर्णय के लिए उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करने के लिए इकोनॉमी में जो इस समय कोविड के महामारी के कारण चल रहा है उस पर
अटैक करने के लिए जो बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री एक्शन लिया है वो काफ़ी सराहनीय रहेगा। यस, इससे रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में कम हो गए, लेकिन मेरा एक प्रश्न जरूर रहेगा कि सिर्फ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट ही किसी इकोनॉमी के इम्प्रूवमेंट के लिए इतना कारगर नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज यूरोप में जहाँ पे निगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जापान में इतने सालों से रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना लो है कि फिर भी वहाँ पे आज जरूरत है कि लोगों में जो कोविड के कारण जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, असाधारण परिस्थिति, उसके लिए बैंक के थ्रू जो लोगों को लोन मिलना है उसे लेने के लिए उसका सही उपयोग करके उसे किया जाए, उसे माना जाए, तब यह सही होगा। जैसे कि रिजर्व बैंक ने पिछली बार कहा था, सरकार ने भी कहा है कि 3 लाख करोड़ रुपए के एमएसएमई सेक्टर को लोन दिए जाएंगे 31 अक्टूबर से पहले, तो वो बैंकों पर एक दबाव रहेगा। जहाँ तक रेट कट की बात है, डेफिनेटली रिवर्स रेपो रेट कम करने से बैंकों को जो कि अपने सरप्लस मनी को रिजर्व बैंक में रख के कुछ इंटरेस्ट कमा लिया करते थे, अब उन पर दबाव बनेगा कि कम से कम वे पैसे वो एक लोन के रूप में दे, चाहे वो फिर एमएसएमई सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, या फिर चाहे वो इंडस्ट्री हो या एनबीएफसीज हो या फिर माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हो, सबको दे सकेंगे। तो ये सराहनीय कदम है। स्पष्ट कर दीजिए रमेश सर, थोड़ा सा मैं पूछना चाहूंगा, ये आरबीआई में जो बैंक पैसा रख रहे हैं, ये बैंक आरबीआई में पैसा क्यों रख रहे हैं? जैसा हीरा नंदानी साहब कह रहे हैं कि बैंक जो है आरबीआई में पैसा रख रहे हैं बजाय लोन देने के, तो ये लोन देने में आनाकानी क्यों हो रही है? क्या डिमांड नहीं आ रही है लोन्स की लोगों की तरफ से, कस्टमर नहीं मिल रहे हैं, या बात कुछ और है? देखिए ऐसा है कि जहां तक मैं समझ सकता हूँ, इंडस्ट्री से डिमांड, लोन के डिमांड लगभग काफ़ी, जो नए इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट बनते हैं जहाँ पे सचमुच में पैसे लगते हैं, वैसा नया इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट बनना बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। मैं भी पिछले 2.5 साल 3 साल से जब बैंक में रहा है, मैंने कभी देखा नहीं है कोई भी बड़ी इंडस्ट्री नई आ रही हो इन्वेस्टमेंट के रूप में जो लोन लेती हो। ये रहा था कि एक बड़े बैंक के पास जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, चाहे प्राइवेट बैंक में 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ले रहा होगा, वो किसी और बैंक के पास जाके उसको 12% पे, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो दूसरे बैंक के पास चला गया, टेक ओवर ऑफ द लोन करके, स्विच ऑफ द लोन करके वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर रहा था। एज इट इज अब चूंकि यहाँ पे जॉबलेस लॉस हो चुके हैं, इंडस्ट्रीज बंद है, सर्विसेज इंडस्ट्रीज बंद है, तो लोन की डिमांड कहाँ पे है? मैं खुद भी जानना चाहूँगा कि आज ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस में और अखबार में पढ़ रहा हूँ कि पिछले जो एक महीने भर में, 2 महीने भर में 5 लाख करोड़ रुपए के नए लोन सैंक्शन किए बैंकों ने। लॉकडाउन थे, बैंक में लोग जा नहीं पा रहे थे, बैंक में इतनी लोगों की कुछ नहीं थी, क्रेडिट ऑफिसर्स के लोगों की, उसके बावजूद भी 5 लाख करोड़ रुपए के जो लोन फ्रेश सैंक्शन हुए हैं, ये मेरे समझ में तो नहीं आ रहे, मैं एज अ बैंकर नहीं समझ पा रहा हूँ। हाँ, मैं जरूर चाहूँगा कि जैसे कि हीरानंदन साहब ने कहा कि बैंकों को चाहिए कि वे इंडस्ट्री को लोन दे, यस, चूंकि एक दो चीज़ें हैं जो बैंक के बड़े बड़े टॉप एग्जीक्यूटिव है, चाहे एमडी हो, सीईओ, चाहे चेयरमैन हो, उनके ऊपर जो सीबीआई है, सीवीसी है, इन सब के जो डर फैले हुए थे पहले, उसे सरकार ने काफ़ी हद तक दूर किया है, और उस डर को दूर होने के बाद में ही कुछ इसे हुए फर्दर। सर मैं लौटता हूँ आपके पास, इसको चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, फिलहाल मैं आऊंगा सर, ये बैंकिंग सिस्टम वाले पे मैं और विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल अगले सवाल के लिए मैं फिरोज अजीज साहब के पास चलता हूँ, क्योंकि आम आदमी तो इस वक्त फिरोज अजीज साहब को सुनना चाह रहा होगा कि ठीक है मॉरिटोरियम का ऐलान आगे बढ़ाने का कर दिया गया है, लेकिन अजीज साहब आपकी सलाह क्या है, मॉरिटोरियम का फायदा उठाएं या नहीं उठाएं, ईएमआई देते रहें या रोक दें 3 महीने के लिए? तो मेरे हिसाब से मॉरिटोरियम को डेफिनेटली यूज करना चाहिए। क्यों यूज करना चाहिए? क्योंकि आपको जो सिचुएशन आज जो है वो बहुत अनसर्टन है, आपकी जॉब रहेगी नहीं रहेगी पता नहीं, तो देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट गोइंग टू बी देयर, और काफी जॉब कट्स हैं, सैलरी कट्स हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो अगर आपने आज ईएमआई पे कर दी, उसको वापिस तो नहीं ले पाएंगे आप, इस जो ईएमआई अगर आप पे कर भी सकते हैं तो उसको मॉरिटोरियम का प्रयोग करके आपको इमरजेंसी फंड में रखिए, क्योंकि काफी सारे लोग इमरजेंसी फंड्स को भरपूर तरह से क्रिएट नहीं कर पाते, अच्छे समय में डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में अपना पूरा पैसा खर्च कर देते हैं। सो 3 महीने, ऑफकोर्स ये ब्याज मुक्त नहीं है, ऑफकोर्स ये सिर्फ एक डिलेड पेमेंट है, बट आई थिंक डिलेड पेमेंट का प्रयोग करके भले ही थोड़ा सा ब्याज ज्यादा लगे आपको, उसकी इमरजेंसी फंड बनाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई सरप्राइजेस हैं, अगर सेकेंड लॉकडाउन होता है, अगर सैलरी कट्स होती हैं, तो आपके पास एक
प्रावधान होना चाहिए कि आप अपने फैमिली को और अपने लाइफ को ठीक तरह चला सकें, पॉइंट वन। पॉइंट टू, इसमें भी मॉरिटोरियम ऐसी चीजों पे लेना है जहां पे ब्याज ज्यादा नहीं, फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड का मॉरिटोरियम नहीं लेना है। अगर आपके पास ऑटो लोन्स हैं, पर्सनल लोन्स हैं एनबीएफसी से या बैंक से, उसको डेफिनेटली लें। तो ऐसा नहीं है कि एक ब्लैंकेट मॉरिटोरियम का इस्तेमाल करना है आपको, बहुत सोच समझ के करना है, और ब्याज दरें ज्यादा ना बढ़ जाएं आपकी, वो देखना है, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये है कि आप अगर ऑलरेडी कमा चुके हैं तो ये रेट घटने की जो प्रथा चली हुई है लास्ट दो महीने से, मॉनेटरी स्टिमुलस गवर्नमेंट कर रही है, कब स्टिमुलस पे इतना जोर नहीं लगा रही है, उससे आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो एफडीज हैं, उसमें बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है। आपके जो डेट इन्वेस्टमेंट्स हैं, डेट फंड्स हैं, उनके सब पे इंपैक्ट पड़ रहा है, उनकी ब्याज दरें कम हो रही हैं। तो यू हैव टू बी मोर प्रूडेंट, ज्यादा सोच समझ के आपको ये ट्रैवर्स करना है पीरियड। सो दैट्स व्हाट आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे और पहलू हैं, बट आई थिंक इस सवाल के लिए मॉरेटोरियम का इस्तेमाल करिए और इमरजेंसी फंड क्रिएट किए, बट बी केयरफुल, क्रेडिट कार्ड की मॉरेटोरियम यूज करने से पहले थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा आपको। तो सोच समझ के करें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बोली है कि अगर आप चाहें तो एक इमरजेंसी फंड बना सकते हैं, 3 महीने की ईएमआई रोक के उस फंड का आप इमरजेंसी में उसको डाल दीजिए। ये फिलहाल सलाह जो है फिरोज अजीज साहब की है। तो आरबीआई ने आज जो बड़े अनाउंसमेंट किए हैं उसका इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट होगा और आपकी जेब पर कितना इम्पैक्ट होगा और आपको अब आगे क्या कदम उठाने, इस पर हम बात कर रहे हैं। तीन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। चलिए सेकेंड राउंड की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर हीरा नंदानी, मैं थोड़ा अब रियल एस्टेट पर आऊंगा, आपसे मैं जरूर जानना चाहूंगा। सर, रियल एस्टेट बुरी हाल में है ये हमने देखा, और जो मेगा पैकेज ऐलान किया सरकार ने 20 लाख करोड़ का, उसमें मुझे लगता नहीं है कि आप लोगों की तरफ से जो फीडबैक आ रहा है, जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं आया है। ऐसे में रेट कट के बाद क्या कोई सूरत बदलने की उम्मीद रख रहे हैं आप रियल एस्टेट में? आप सही कह रहे हैं कि थोड़ी नाराजगी है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम जो हमारे रियल एस्टेट के हैं वो दो बातें हैं। नंबर वन, लिक्विडिटी क्राइसिस बहुत बड़ी है। सेकंड, डिमांड के ऊपर बहुत ही असर आया है, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है अभी प्रोजेक्ट्स कंप्लीशन के बारे में। तो मेरे अंदाज से जो पहली बात है, जैसे एसएमईज को आपने राहत दी है, हम समझते हैं कि वैसे ही राहत इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी रियल एस्टेट को देने की आवश्यकता थी, और अभी भी मैं समझता हूँ वो करनी चाहिए, क्योंकि ये सेक्टर जो है आज की तारीख में इट कवर 7% ऑफ जीडीपी और 15% ऑफ वर्किंग फोर्स ऑफ इंडिया। और आज की तारीख में ये सब जो माइग्रेंट लेबर चले गए हैं, ये पूरा चक्कर एकदम जाम हो सकता है कि ये दोनों राहत नहीं दे। तो मेरे अंदाज से आरबीआई को और फाइनेंस मिनिस्ट्री को फिर भी रियल एस्टेट के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है कि उनको कैसे राहत दी। उन्होंने एक लास्ट माइल फंडिंग, जो स्वामीन का एक रियल एस्टेट फंड क्रिएट किया है, जो स्टेट बैंक ऑपरेशनल कर रहे हैं, उसका 25,000 करोड़ का है। मेरे अंदाज से उन्होंने लगभग 40 स्कीम्स को देख रहे हैं और अब तक कुछ इश्यू नहीं हुआ है, लेकिन अब ध्यान दे रहे हैं। मेरे अंदाज से ये पैसे अभी बहुत कम पड़ेंगे। ये लास्ट जून में हमने सुझाव दिया था, जो अक्टूबर नवंबर में शुरुआत की थी, लेकिन आज की तारीख में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता है। तो मेरे अंदाज से ये एक फंड नहीं, 5 फंड्स की आवश्यकता है वो करने में। और तीसरी बात जो है, जो मैंने पहले कही, कि एक वन टाइम रोल ओवर रियल इस्टेट में करने की आवश्यकता है। तो ये तीन चीजें में ये है। और चौथी बात है, जो हम एसोचैम के द्वारा और नरेटको के द्वारा करे थे, कि जीएसटी में एक राहत देने की आवश्यकता है, डिमांड क्रिएशन। जितने भी वित्त मंत्री के सुझाव हैं वो सप्लाई ओरिएंटेड साइड है, डिमांड ओरिएंटेड साइड पर नहीं है। रियल एस्टेट की भी नहीं है और ओवरऑल इकोनॉमी में नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये शायद अगेन वित्त मंत्री ने ये गन पाउडर बाद के लिए रखा है, लेकिन जब तक वो यूज नहीं करेंगे कि डिमांड साइड पर हम जीएसटी का लगभग 50% राहत नहीं देंगे, 6 महीने के लिए ये शुरुआत करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर हो या रियल एस्टेट सेक्टर हो या ट्रैवल टूरिज्म में हो या एविएशन सेक्टर में हो या कोई भी ऐसे सेक्टर्स में हो, मुझे नहीं लगता है कि ये डिमांड बना वो मार्केट्स उठ सकते हैं और उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट जीडीपी पर आ सकते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट पर 260
इंडस्ट्रीज के निर्भर हैं, स्टील का है, सीमेंट है, पेंट्स है, प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रिकल है, लिफ्ट्स है, लाइट्स है, सब कुछ है। तो मेरे अंदाज से ये मल्टीप्लायर इफेक्ट एक बहुत भयानक हो सकता है, नेगेटिव इफेक्ट। तो मुझे लगता है कि ये तीनों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है सर, तो हाँ जरूरत है। ऑलराइट सर, रमेश सिंह सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि रेट कट तो ठीक है, रेट कट तो अनाउंस कर ही रही है सरकार, आगे भी शायद ऐसे संकेत दिए हैं कि आगे भी इस बारे में सोच सकती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कंज्यूमर तक पहुंचने में ये रेट कट जो है ये बड़ा टाइम लग जाता है। आपको क्या लगता है कितनी जल्दी कंज्यूमर तक ये पहुंचना चाहिए और जल्द से जल्द ये ट्रांसलेट हो, इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या हो पाएगा ये? देखिए, ये एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग जनता में और हम सभी में ये होती है कि जैसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट कट करता है तो वो उसके बेसिस से बाकी सभी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने चाहिए। ये हम सब लोग को जरूरत है समझने की कि रेपो रेट से बोरिंग करने के लिए उसकी एक सीलिंग है बैंकों के ऊपर। बैंक जो अपने NDTL के 0.25% अमाउंट ही बोरो कर सकते हैं रेपो रेट के ऊपर, और फिर जहाँ तक इस रेट से जो पैसे मिलते हैं, आज के डेट में अगर किसी के पास 1,00,000 रुपये है बैंक एग्जांपल के लिए, वो मैक्सिमम 25,000 रुपये तक ही बारो कर सकता है 25% के हिसाब से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिपो पे, जो कि इस समय 4% कर दिया रिजर्व बैंक से। तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ रिजर्व बैंक के पैसे पे ही इकोनॉमी चल रही है और पूरा बैंकिंग सिस्टम चल रहा है। बैंकों को डिपॉजिट के ऊपर पैसे खर्च करने पड़ते हैं, इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में, सब जगह पे उनके अकाउंट NPA और उसके प्रीमियम जो उसके कॉस्ट लगती है, ये सब कॉस्ट मिलके ही जाके आज रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चल रहा है वो 10%, जो भी 10% MCL हो चाहे या भी ट्रेजरी बिल से उसको लिंक कर दिया गया है, GST के साथ में लिंक कर दिया गया है। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट सडनली नेचुरली बैंकों ने, एक सिंपल सी बात और भी है कि आज जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते हैं बैंक के ऊपर किसी लोन के ऊपर, तो आज से जो भी नया लोन करेगा बैंक उस सब के ऊपर नया लोन अब रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन बैंक के पास जितना सारा डिपॉजिट है, चाहे फिर वो 8% का हो 9% का हो, उसके ऊपर बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट आज तक कम नहीं कर सकता जब तक कि मैच्योर नहीं होता है और नियमित होता है। तो ये एक डिफरेंस बना रहता है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सिंपली इस बात को मानकर नहीं चले कि रेपो रेट कट किया से रेट ऑफ इंटरेस्ट उतने से कम होगा या उससे ज़्यादा कम होगा। ऑलराइट सर, मैं फटाफट से फिरोज अली साहब के पास आना चाहूँगा। फिरोज साहब, एक जो बात कही जा रही है और ऑप्शन जो लोगों के पास है, आपकी सलाह में इसमें मैं ज़रूर चाहूँगा कि रेट कट के बाद क्या रेपो में शिफ्ट कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप क्या इस वक्त क्या सलाह देंगे लोगों को? देखिए, पहले तो जैसे हमने बात की कि जो रेपो रेट कट्स होते हैं उसकी जो ट्रांसमिशन है वो कंज्यूमर तक नहीं पहुँचती है। लास्ट 2.5% की जो गिरावट आई थी रेपो में, उसका सिर्फ 0.5% बैंकों के पास, बैंकों से माध्यम से होम लोन EMI में ट्रांसमिट हुआ होगा फॉर एग्जांपल। तो आई थिंक एक नीड कि हर इंसान, हर बोरोवर अपनी बैंक के साथ नेगोशिएट करे। बैंक्स काफी स्ट्रिंजेंट होती हैं पास ऑन नहीं करने के लिए। FDs में तो पास ऑन हो जाता है, आपको बैंक से नेगोशिएट करना पड़ेगा। पॉइंट वन, अगर आप ये ट्रांसमिशन चाहिए तो नेगोशिएशन की जरूरत पड़ेगी। अपने लोन्स को काफी बार आप ओवरड्राफ्ट में तब्दील कर सकते हैं, उसको कहते हैं होम क्रेडिट अकाउंट्स। फॉर एग्जांपल, लार्ज लोन्स होते हैं होम लोन्स, उसको होम क्रेडिट अकाउंट में कन्वर्ट करें तो आपके ब्याज का एटलीस्ट 20-30% सेव हो सकता है, क्योंकि लिक्विडिटी जो आपके पास होती है वो बच सकती है आपका ब्याज। सो पॉइंट मैं ये कह रहा हूं कि आपने अगर इस पे ज्यादा विजिलेंस नहीं रखी, ज्यादा चौकन्ने नहीं रहे तो आप ज्यादा पे करते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक होम लोन था पुराना वाला, उस पर मैंने नेगोशिएट किया तो 75 पैसे का 0.75% का इंटरेस्ट कम किया है बैंक ने। अगर मैं ये नेगोशिएट ना करता तो 6 महीने तक मैं ये एक्स्ट्रा ब्याज पे करता रहता। ऑफकोर्स देर इज MCLR रेट्स जो है उसके आधार होता है EMIs एंड इन टर्न द लोन, बट ये चौकन्ना कर रहा हूं मैं हर व्यूअर को कि आपको आगे होके वो ट्रांसमिशन मांगना पड़ेगा तो शायद आपको एफिशिएंटली मिलेगा। सो दैट्स माय ओपिनियन। ऑलराइट सर,
ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे बातचीत करने के लिए, और इकोनॉमी पर आज के जो फैसले आरबीआई के उसके इम्पैक्ट और आम आदमी को क्या करना चाहिए इस पर क्लैरिटी देने के लिए शुक्रिया। डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी साहब आपने वक्त निकाला, रमेश सिंह साहब थैंक यू सो मच आपने वक्त निकाला, फिरोज अजीज साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आपने भी हमारे लिए वक्त निकाला। इसी के साथ आज आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, अपना ख्याल रखिए, हमें इजाजत दें, नमस्कार।